जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 वाला यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहले प्रयास में पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। दिसंबर 2024 वाला जो एग्ज़ाम है उसके आज से लगभग 3 महीने का समय बचा हुआ है और जो कैंडिडेट मात्र 3 महीने की तैयारी से पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मैंने ओवरऑल 2nd रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम में हमारे इस प्लेटफॉर्म से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हुआ था। उन 39 कैंडिडेटों में से 13 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया था। हमारे इस प्लेटफॉर्म से अब तक टोटल कुल मिलाकर 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ पास हो चुका है और 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अभी जो जून 2024 वाला री एग्ज़ाम अभी अगस्त में हुआ है 28 अगस्त को, इसमें भी हमारे बैच के ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पेपर बहुत बेहतरीन हुआ है। तो अब जून 2024 वाले जो एग्ज़ाम का रिजल्ट वो भी बहुत बेहतरीन रहने वाला है, हमारे बैच का बहुत ही शानदार वाला रहने वाला है। और ये जो हमारा इतना बेहतरीन रिजल्ट रहता है इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, इसमें आप लोगों की मेहनत काम करती है, साथ ही साथ हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं बहुत बेहतरीन वाला जो कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, एक बहुत बेहतरीन वाली रणनीति के साथ जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, एक ऐसा सिलेक्टेड कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल डायरेक्टली लाइन टू लाइन, और उसको पढ़कर आप जब अच्छे तरीके से तैयारी करते हो और फिर जब एग्ज़ाम में वहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलते हैं फिर उनको आप ठीक करते हो तो उससे ओवरऑल हमारे बैच का बेहतरीन रिजल्ट रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि मात्र 3 महीने की तैयारी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं आपको सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बताने वाला हूं। देखो, हम पिछले 4 साल से मैं जब भी एग्जाम होता है उसके लिए हर बार गारंटी बैच चलाता हूं। अभी हमने दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए चलाया, फिर जून 2024 वाले एग्जाम के लिए चलाया, बिल्कुल उसी तरीके से हम दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए भी एक ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के गारंटी बैच के बारे में। तो हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास करना है, वो भी दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना है और वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है। यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत ज़्यादा टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है और चाहे ईजी लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कॉन्टेंट से ही मिलेगा, इस बात की यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ। और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। अभी जो 28 अगस्त को एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में हमारे जो बैच के कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि 80 प्लस क्वेश्चन थे जो बिल्कुल लाइन टू लाइन हूबहू मिले थे। और अब भी आंसर की आ जाती है, जब आंसर की आएगी तो पेपर भी आएगा और उस पेपर से मैं मैच करके बताऊंगा आपको बाकायदा कि इस लाइन से हमारे ये क्वेश्चन बना था, हमारी इस लाइन से ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक सबसे बड़े डाउट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, आप जब किसी भी एग्जाम को पहली प्रयास में देते हो, जैसे आप पहली बार
एग्जाम देने वाले हो ज्योग्राफी से जेरप का, तो आपके मन में डर बैठा हुआ होगा कि यार जेरप पास करने के लिए तो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, मात्र 3 महीने की तैयारी से तो जेरप नहीं हो सकता। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें। आप ये समझते हो कि हम मेहनत तो बहुत जबरदस्त तरीके से कर लेंगे, लेकिन हमें कोई बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाला मिल जाए। तो यहाँ पर आपको इस बैच के माध्यम से एक बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाला कैंडिडेट भी मिलने वाला है, जिसने खुद ने लगातार 3 बार जेरप क्वालिफाई किया है। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये भी समझाने वाला हूँ कि आपको अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, आपको अपनी तैयारी की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट आपको इस तरीके से भी डिमोटिवेट करेंगे कि यार पीजी अपेयरिंग में तो आप जेरप पास ही नहीं कर सकते, जेरप पास करने के लिए कम से कम 1 साल की तैयारी की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जेरप पास करने के लिए 1 साल की नहीं बल्कि 100 दिन बहुत अच्छे तरीके से सफिशियंट है। भाई आप यदि और बाकी के कैंडिडेटों की देखोगे तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पिछले 4-5 साल से या 5-6 साल से लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, फिर भी उनका जेरप क्वालिफाई नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 7-8 साल से लगातार जेरप की तैयारी की है, लेकिन फिर भी उनका जेरप क्वालिफाई नहीं हुआ। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, हमारे बैच में टोटल 13 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पहले प्रयास में जेरप क्वालिफाई किया था। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पहले प्रयास में मात्र 3-4 महीने की तैयारी से जेरप पास कर लेते हैं। देखो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। यदि आप पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी कर रहे हो, आप वो सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आप मात्र कुछ समय की तैयारी से भी जेरप पास कर सकते हो। और यदि आप एक अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप पेपर की डिमांड के अनुसार नहीं पढ़ रहे हो, आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो फिर आप चाहे 10 साल भी क्यों ना पढ़ लो, फिर भी आपका जेरप पास नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो मात्र 100 दिन की तैयारी से जेरप पास करना बिल्कुल 100% संभव है। बस उसके लिए आपको कुछ अलग तरीके से तैयारी करनी होगी, आपको भीड़ से हटकर एक अलग ही अंदाज में तैयारी करनी होगी, ताकि मात्र आप 3 महीने की तैयारी से उन लोगों को पीछे छोड़ सको जो पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। 100 दिन में जेरप पास करने के लिए 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनके ऊपर आपको स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है, इनको आपको अच्छे तरीके से समझना है। पहला पॉइंट तो ये है कि पेपर आपके पढ़ेवे में से आना चाहिए। दूसरा है, आपको केवल वो पढ़ना है जो वर्तमान के एग्जाम लेवल के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको सिलेक्टेड टॉपिकों को सिलेक्टेड तरीके से पढ़ना है। आप यदि किसी भी एग्जाम के टॉपर्स का वीडियो देखोगे या फिर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेटों का वीडियो देखोगे, तो वो हर एक कैंडिडेट ये बात बोलेगा कि आपके जो स्टडी के सोर्स हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। भाई आज हमें ये लगता है कि हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, आज हमें लगता है कि ये किताबें पढ़ देंगे, और फिलहाल में आप रियलिटी में इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हो, लेकिन जब बात आएगी उनका अच्छे तरीके से रिवीजन करने की, उनको अच्छे तरीके से याद करने की, फिर पता चलेगा कि हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन उसका सही ढंग से रिवीजन नहीं कर पाए क्योंकि हमें सही ढंग से टाइम नहीं मिल पाया, हमें कुछ भी याद नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ा। फिर बाद में एग्जाम में लगेगा कि यार ये पढ़ा हुआ तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। भाई याद कहाँ से आएगा, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया कि आपने उसका सही ढंग से रिवीजन नहीं किया, आपने उसको सही ढंग से याद नहीं किया। तो एक तो आपको बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है, आपको केवल इतना पढ़ना है ताकि 80% तक का स्कोर हो जाए, बहुत गजब के मार्क्स के साथ आपका जेरप पास हो जाए, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिलेक्टेड तरीके से सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है। आप केवल इतना पढ़ो ताकि आपके 80 क्वेश्चन ठीक हो जाएं। ध्यान रखना, प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक करने का आपको टारगेट नहीं लेना है। भाई जब भी कोई एग्जामिनर पेपर सेट करता है ना, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन वो ऐसे बनाते हैं जो सभी को आते हैं, कुछ क्वेश्चन वो ऐसे बनाते हैं जो किसी को नहीं आते हैं, और बीच के जो लगभग जैसे हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी में के 100 क्वेश्चनों में से 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी को आते हैं। जिस कैंडिडेट ने बीए एमए कर रखा है उसको भी वो 100 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। इन 100 क्वेश्चनों में से लगभग 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं
जो हर किसी को नहीं आते हैं, कुछ मात्र ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको उन क्वेश्चनों के बारे में कुछ पता होगा, और बचे हुए जो लगभग 55-60 क्वेश्चन है वो ऐसे होते हैं जिनको केवल वो कैंडिडेट ठीक कर सकते हैं जिन्होंने सीरियसली तरीके से मेहनत की है, जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। तो हमें यहाँ पर उन 20 क्वेश्चनों को ठीक करने के पीछे नहीं भागना है जो बहुत टफ लेवल के हैं, जो हर किसी को नहीं आते हैं। हमें केवल यहाँ पर उन 80 क्वेश्चनों को ठीक करने का टारगेट लेना है जो हमारी पहुँच में है, जिनको हम आसानी से तैयारी करके और ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने जो स्टडी के सोर्सेज हैं उनको बिल्कुल लिमिटेड करना है, आपको भटकना नहीं है। यदि आप भटक गए ना, आप ये सोचने लग गए कि मैं तो सब कुछ पढ़ लूंगा, भाई आज तो आप सब कुछ पढ़ लोगे लेकिन एग्जाम में फिर जब आप पेपर देने के लिए बैठोगे ना, तब पता चलेगा कि मेरा पढ़ा हुआ तो पूरा पेपर है लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा, समझ में कुछ नहीं आ रहा, और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। बाद में पता चलेगा कि इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बावजूद मेरा पेपर खराब हो गया। हमें कम पढ़ना है लेकिन ऐसा पढ़ना है ताकि हमारे बहुत आसानी से 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं, और 80 प्लस क्वेश्चन मात्र 3 महीने की तैयारी से ठीक करने के लिए हमें पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ना है, और पेपर की डिमांड को समझने के लिए हमें पेपर के पैटर्न को समझना है कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें पेपर के लेवल को समझना है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, मतलब किस यूनिट के किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें एक बहुत बेहतरीन वाली रणनीति बनानी है ताकि हम उन सभी कैंडिडेट को पीछे छोड़ सकें जो पिछले 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले 2-3 साल से पॉइंटों से फेल हो रहे हैं। हमें एक बहुत बेहतरीन और सिलेक्टेड कंटेंट से तैयारी करनी है ताकि जो क्वेश्चन है वो हमारे पढ़े हुए में से आए। ठीक है, तो हमें इन 4 पॉइंटों के ऊपर ध्यान रखना है। आपके वो जानकार कैंडिडेट जो पिछले 2-3 साल से तैयारी नहीं कर रहे और उनका तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे। आपको ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी पॉइंटों को समझते हैं। सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझते हैं। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमने जो ज्योग्राफी के 10 यूनिटों का सिलेबस है इसको 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। इन 21 यूनिटों के हमने 2 सेशन बनाए, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट हैं जिनसे 2019 से पहले लगभग 60-65% पेपर बनता था, लेकिन वर्तमान समय में इन 4 यूनिटों से केवल लगभग 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो 28 अगस्त को एग्जाम हुआ था इसमें इन 4 यूनिटों से केवल 28-30 क्वेश्चन आए थे, जबकि इससे पहले के जो एग्जाम है उनमें तो लगभग 25 क्वेश्चन आ रहे थे। वहीं हम बात करें बाकी की यूनिट सेशन ए की, जिसमें हमने टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया, स्टैटिकल ज्योग्राफी, जियोटेक, कार्टोग्राफी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, पॉपुलेशन सेटलमेंट, सोशल कल्चर, पॉलिटिकल, रीजनल प्लानिंग, ईवीएस, थॉट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये वो 17 यूनिट है जहां से वर्तमान समय में लगभग 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 10 क्वेश्चन हमारे आरसी के आते हैं, मतलब 2 पैसे जाते हैं 5-5 क्वेश्चनों के। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सेशन ए के 17 यूनिटों से केवल 60 क्वेश्चन आ रहे, वही सेशन बी के 4 यूनिटों से 25 क्वेश्चन आ रहे। भाई यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ आप देखो कि ये यूनिट कितनी बड़ी है। भाई सेशन बी की जो 4 यूनिट ना बहुत लंबी चौड़ी यूनिट हैं, जबकि सेशन ए की जो 17 यूनिट बिल्कुल छोटी छोटी हैं। यदि मैं कंटेंट की बात करूँ ना, तो सेशन बी की 4 यूनिटों में जितना कंटेंट है ना, सेशन ए की 17 यूनिटों की तुलना में बड़ा है। भाई सेशन ए के 17 यूनिटों में जितना कंटेंट है, लगभग उतना कंटेंट ही सेशन बी की 4 यूनिटों में। कंटेंट के मामले में सेशन ए और सेशन बी दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेशन ए की 17 यूनिटों से 60 क्वेश्चन आएंगे लगभग, और सेशन बी की 4 यूनिटों से लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, जबकि पढ़ने का जो कॉन्टेंट है दोनों में लगभग बराबर है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, एक साइड आप जितना पढ़कर केवल 25-30 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, दूसरी साइड आप उतना ही पढ़कर लगभग 60-65 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो यहां से आपको एक तो ये तो समझ में आ गई होगी कि हमें अपनी तैयारी की शुरुआत
कहाँ से करनी चाहिए। अब हम पेपर के लेवल को समझते हैं। देखो आजकल जो पेपर का लेवल है वो बिल्कुल बदलता जा रहा है, ठीक है, पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है, पेपर का लेवल बदलता जा रहा है। वर्तमान समय में हमें बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत डीपली लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, करंट बेस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब की बार का जो पेपर था उसमें कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन कम आए थे, जबकि हम बात करें दिसंबर 2023 वाले पेपर की, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट बेस के थे। तो एग्जाम का जो सिनेरियो है ना उसका कोई फिक्स नहीं है, तो हमें ओवरऑल हर एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है, हर एक फैक्ट को भी क्लियर करना है, डीपली तरीके से भी तैयारी करनी है, और करंट डाटा को भी जोड़कर हमें तैयारी करनी है, ताकि पेपर फिर चाहे किसी भी तरीके का बने ओवरऑल हमारे पढ़े हुए में से आए। अब हम यहाँ पर बेहतरीन वाली रणनीति के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इस बैच की हम जो शुरुआत है वो हम करने वाले हैं सेशन ए की 17 यूनिटों से। सबसे पहले हम सेशन ए की 17 यूनिटों को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। जब सेशन ए की 17 यूनिट वाइज तरीके से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले सेशन ए की किसी एक यूनिट को लेंगे, फिर उसको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग प्रत्येक टॉपिक को गजब तरीके से तैयार करेंगे। जब एक यूनिट के सभी टॉपिक बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी यूनिट को पढ़ेंगे, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। इस तरीके से सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को पूरा करेंगे, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे, प्रत्येक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हमें बहुत गजब का स्कोर करना है, हमें किसी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना है। जब सेशन ए सेशन बी दोनों तैयार हो जाएंगे, तो उसके बाद हम सेशन सी को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आरसीएस के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से हमारे 9-10 क्वेश्चन ठीक हो जाएं। तो हमारी यहाँ पर रणनीति रहेगी, सबसे पहले हम उन यूनिटों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे जो ज़्यादातर कैंडिडेटों की कमजोर होती हैं, जहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेटों का जीरो स्कोर रहता है, और जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखना, यदि आपके सेशन ए की 17 यूनिट बेहतरीन तरीके से तैयार हो गई, तो आप भीड़ से अलग निकल चुके हो, आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। अब हम यहाँ पर बैच के कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, बैच की विशेषता के बारे में बात करते हैं। देखो हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है, इस कंटेंट से मैं 80% प्लस पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूँ। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है, इसमें हमने टोटल 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को काम लिया है। टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है, और फिर इन सभी कंटेंट को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का जेआरएफ के लिए बहुत बेहतरीन वाला एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है, इसमें हमने 26 ऑथेंटिक किताबों को शामिल किया यूनिट वाइज तरीके से। हमने टोटल 8 टीचर हैं, जैसे अभिषेक झा सर हो गए, सूरज सर हो गए, बच्चन सर हो गए, बीबी सर हो गए, दिवा सरकर सर हो गए, श्रीराम खांगर सर हो गए, अंकित सर हो गए, इन सभी नोट टीचर्स के नोट्सों को शामिल किया है, टॉपर्स नोट्स के नोट्स को शामिल किया है, नोट्स हब के नोट्सों को शामिल किया है, साथ ही साथ हमने दृष्टि और अरिहंत के गाइड को शामिल किया है, UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपरों को शामिल किया है। तो ओवरऑल हमारे जो नोट्स हैं इन सभी 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार हुए हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन वाला, बहुत ही शानदार वाला कंटेंट मिलने वाला है। आपके दिमाग में ये कभी विचार नहीं आएगा कि यार हम जो पढ़ रहे हैं पता नहीं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, हो सकता है कि जो दूसरे टीचर है वहाँ के उनके कंटेंट से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो ओवरऑल सभी टीचरों के नोट्सों का, सभी टीचरों के कंटेंट का यहाँ पर सार है, ठीक है। 21 की 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे, प्रत्येक फैक्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। क्लास के दौरान ज्योग्राफी का प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक फैक्ट हमें आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से याद हो जाए, तो हम प्रत्येक टॉपिक को डायग्राम बनाकर, मैप बनाकर, माइंड मैप बनाकर और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमें आसानी से समझ में आ जाए, इंटरेस्टिंग तरीके से आसानी से क्लास के साथ साथ ही हमें याद हो जाए। पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ तैयारी करेंगे,
जर्ब के लिए बिल्कुल 100% सफिशियंट है। आपको ये कंटेंट पढ़ने के बाद ना तो एक टीचर की वीडियो देखने की ज़रूरत है, ना आपको एक बाहर से किताब खरीदने की ज़रूरत है, ठीक है। और मेरे खुद के द्वारा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा। कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कन्फ्यूजन हो, तो कभी भी आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर केवल और केवल आपके लिए है, ताकि मैं खुद आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकूं, आपको एक बहुत बेहतरीन वाला रास्ता दिखा सकूं, ताकि आप आसानी से मात्र 3 महीने की तैयारी से जरब पास कर सकूं। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का PDF, संडे टू संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओवरऑल सब कुछ मिलने वाला है। फीस में अभी वर्तमान समय में 50% का ऑफ चल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी फुल फीस है, ठीक है। और अब इसमें 50% का ऑफ है, मतलब यहाँ पर 2100 रुपये लगेगी, यहाँ पर 2500 रुपये रहेगी, यहाँ पर 2800 रुपये रहेगी, यहाँ पर 3100 रुपये रहेगी, यहाँ पर 3500 रहेगी और यहाँ पर 3800 रुपये रहेगी। तो ये अभी हमारी फीस में ऑफर चल रहे हैं, तो आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऑफर का लाभ उठाएं, अभी तुरंत बैच ज्वाइन करें, ताकि आप बैच के साथ साथ बेहतरीन तरीके से तैयारी करके अपने कंप्लीट सिलेबस को समय पर पूरा करके अच्छे तरीके से उसके रिवीजन कर सके, अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।